तो जैसा कि आप सभी को पता है मिस्टर इंडिया रहकर हमारे इंडिया के सबसे बड़े क्रिएटर हैं, ये उतना ही बड़ा उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट प्लान करना है। मिस्टर इंडिया रहकर के होने वाले यूट्यूब पे 30 मिलियन, तो मैं उनको वह 30 मिलियन सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूँ। पर क्या कुछ सोचा है? नहीं। 100 आइडिया को रिजेक्शन देने के बाद मैंने सोचा है कि मैं बनाने वाला हूँ उनके लिए इंडिया का बिगेस्ट गोल्डन प्ले बटन, जो कि होने वाला है सबसे बड़ा, कम से कम 7 से 8 फीट का। ऑलमोस्ट 15 दिन के प्लानिंग और एक हफ्ते की मेहनत से जो मैंने सरप्राइज प्लान किया है वो मैं अपने हाथों से उनको देना चाहता हूँ। तो मैं जाने वाला हूँ उनके गांव अजमेर और उनके स्टूडियो में अपने हाथों से उनको सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास उनका कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है, क्योंकि मुझे ये भी पता नहीं वो अपने स्टूडियो में है या नहीं है। मैंने सारे टीम मेंबर के आईडी और पोस्ट पे कमेंट और मैसेज किए थे, बट मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला अभी तक। आई नो वो सब भी बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं आपको एक अच्छा कंटेंट देने के। सो गाइस, आज है दूसरा दिन और आज मैं जाने वाला हूँ गोल्डन प्ले बटन बनाने के लिए एक प्लाईवुड टॉप पे, क्योंकि मैं वो बनाने वाला हूँ लकड़ी से, ताकि उसका लुक है वो बहुत ही अच्छा निखर के आए। तो चलो चलते हैं। गाइस अभी आ गया हूँ मैं प्लाईवुड की दुकान पे, जहाँ पे मैंने प्रिंटआउट निकलवा लिया ताकि भैया को लोगों का कटआउट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और उनको एक्यूरेट साइज भी पता चल जाए। मैंने कुछ ऐसा, ये फर्स्ट जो फ्रेम है ये नीचे लगने वाली है, इसके ऊपर ये जो अपना जो ग्लास रहता है वो लगने वाला है, और इसके ऊपर ये जो वाली प्लाई है उसके ऊपर यूट्यूब का लोगो कट होके इसके ऊपर वो प्लाई लगने वाली। उस कटआउट को निकाला ताकि कुछ भी थोड़ा भी ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि मुझे एकदम हूबहू गोल्डन प्ले बटन के जैसा ही बनाना था वो। फिर मैंने और भैया ने जो प्रिंटआउट है उनको कट कर लिया और यूट्यूब का जो लोगो रहता है उसको भी निकाल लिया वहाँ से, और प्लाई के ऊपर रख के एक्यूरेट उसी साइज का जो बीच में होल रहता है वो होल कर दिया, और फिर उसके पीछे हम बिठाने वाले हैं ग्लास। सो गाइस ऐसे करते करते मेरे 3 से 4 दिन निकल गए और चौथे दिन मैं पहुंचा रेडियम की शॉप पे। जब भी मैं आ चुका हूँ रेडियम की शॉप पे, उसके ऊपर रेडियम करवाने के लिए गोल्डन कलर का रेडियम करवाने वाला हूँ, और सिल्वर कलर में टाइटेनियम आर्मी का नाम, और जो पासिंग हमारे 30 मिलियन सब्सक्राइबर पासिंग करने वाले हमारे दिलराज भाई, तो वो लिखवाने वाला हूँ। रेडियम करवाने के बाद तो उसका क्या ही लुक आ गया था, मतलब हूबहू गोल्डन प्ले बटन के जैसा ही दिख रहा था। और फिर मैंने उसमें लिख पासिंग टू मिस्टर इंडियन हैकर फॉर 30 मिलियन सब्सक्राइबर, तो वो लिखाने के बाद मुझे जो फीलिंग आ रही थी ना बहुत ज़्यादा औसम थी, और वो लिखाने के बाद जो उसका लुक भी आ रहा था ना काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा था, वो रियल गोल्डन प्ले बटन की तरह दिखने लग गया। मैंने उसके नीचे यूट्यूब की जगह टाइटेनियम आर्मी लिखा है, क्योंकि ये जो गोल्डन प्ले बटन है वो मेरी तरफ से नहीं, मैं पूरी टाइटेनियम आर्मी की तरफ से मिस्टर इंडियन हैकर को देने वाला हूँ। तो फिर मैंने उस पर नीचे लिखा है टाइटेनियम आर्मी, और फिर उसे रुका ही नहीं जा रहा था। मैंने जिस दिन रेडियम करवाया था उसी नाइट को मैं पहुंच गया उसको पैक करवाने के लिए, ताकि क्योंकि मुझे दूसरे दिन ही निकलना था अजमेर के लिए। तो गाइस आज इस वीडियो में हम जाने वाले हैं मिस्टर इंडियन हैकर से मिलने के लिए, अपने दिलराज भाई से मिलने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ आज अजमेर मेरे गाँव से, तो मेरे साथ साथ आप भी मिलके जरूर आने वाले हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं भी आप सभी की तरफ से जा रहा हूँ उनको गिफ्ट देने के लिए। मैंने बनाया है एक टाइटेनियम बटन कह सकते हो आप उसको, तो आज मैं आप सभी को मिलाने वाला हूँ दिलराज भाई से। तो चलो चलते हैं। एंड गाइस फिर हम निकल गए हमारे गांव से, हम बाइक लेके हमारे एक नज़दीकी सिटी जहां से हमको लेनी थी अजमेर की बस, और फिर हम बैठ गए अजमेर की बस में और निकल गए। तो जैतन सिटी से लिए और अभी जाने वाला हूँ अजमेर। पैसे कम नहीं तो भी 3 से 4 घंटे ट्रेवल किया और हम सीधा पहुंच गए अजमेर बस स्टेशन पे, और भी हम लोग पिछले 2 घंटे से वेट कर रहे हैं टैक्सी का। हमको किसी ने कहा जो दिलराज भाई का गांव है कि टैक्सी जो यहां से 15 नंबर की टैक्सी जाती है, बट ड्राइवर पता नहीं कहां है, और पिछले 2 घंटे से हम वही वेट कर रहे हैं उसी का, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास जाने का। 2000 years later ये जो ब्रिज के नीचे है वहां से हमको जाना, अभी यहां से भी 1 किलोमीटर है, तो चलो चलते हैं। और सुबह से कुछ खाया नहीं है तो भूख भी लगी है, तो हम भी इधर थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे और चलो। और गाइस जैसे जैसे अजमेर नज़दीक आ रहा था, भैया का स्टूडियो नज़दीक आ रहा था, तो मेरे दिल की वैसे ही धड़कनें और ज़्यादा बढ़ रही थी, और मुझे मतलब एक अलग ही फीलिंग आ रही थी भैया से मिलने की, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था और थोड़ा अंदर से मुझे डर भी लग रहा था कि वो स्टूडियो में रहेंगे या नहीं रहेंगे।
अभी हमको विक्रम भाई दिखे थे, बट आई नो कि वो रुके नहीं हमें देख के नहीं, वो उनका ध्यान थोड़ा दूसरे साइड था, आवाज लगाई थी बट उन्होंने नहीं सुना। बट बहुत खुशी है मुझे, टीम मेंबर यहाँ पे है तो कुछ नहीं, दिलराज भाई नहीं मिलेंगे तो भी मैं उनसे मिल लूंगा, तो बहुत ज्यादा खुशी है। और ये कुछ ऐसी रोड है, सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं उनकी गलियों में, दिलराज भाई की गली में जो मैं। तो गाइस ये है मिस्टर इंडियन हैकर का स्टूडियो। एंड गाइस स्टूडियो के बाहर एक बोर्ड लगा था जिसपे प्रॉपरली लिखा हुआ था कि वीडियोस और फोटोज यहाँ पे लेना अलाउड नहीं है, तो फिर मैंने ज्यादा ओपनली फोटो और वीडियो नहीं लिए, बस आपको दिखाने के लिए एक छोटी सी क्लिप ले ली कैमरा नीचे रख के, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड लगा था और फिर मैं लूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसके लिए मैंने ज़्यादा वीडियो वगैरह भी नहीं बनाई, मेरी खुद की भी नहीं बनाई और वहाँ पे मैंने खुद की फ़ोटोज़ भी क्लिक नहीं करवाई। और आप ये देख सकते हैं कि जो आप हर वीडियो में देखते हैं वो बाहर का घर, और यहाँ पे काफ़ी टाइम मैंने वेट किया था बट दिलराज भाई यहाँ पे नहीं थे, तो उसकी वजह से मैं उनसे नहीं मिल सका। फिर मैंने चिल बाबा चिल के साथ फ़ोटोज़ खिंचाई और फिर एक रील बनाई बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि वहाँ पे वीडियो अलाउड ही नहीं है। चिल बाबा चिल। सो गाइस अभी दिलराज भाई यहाँ पे नहीं है, वो है जयपुर, और हमने काफ़ी वेट किया बट फिर भी वो यहाँ पे नहीं थे तो हम लोग नहीं मिल पाए। उन्होंने कहा कि आपको मेल करना था, पहले मेल करके आना था बट मैंने मेल नहीं किया, मेरे को लगा शायद तक वो स्टूडियो में ही रहेंगे, नहीं मिले हमको। तो उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन से आओ आप मेल करके, आपको रिप्लाई मिल जाएगा उसके ऊपर। ये है अपने दिलराज भैया का स्टूडियो। पर गाइस दिलराज भैया का स्टूडियो, ये है वो घर जो हर वीडियो में दिखता है आगे। लिटरली गाइज मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था जब मैं वहां से वापस लौट रहा था, बट गाइज हम यही गोल्डन प्ले बटन दिलराज भैया को देंगे और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना था कि हम इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बना सके, और ये वीडियो दिलराज भैया तक पहुंचा देना था कि वो हमारी किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे रिप्लाई दे और फिर हम उनसे मिलने भी जाएंगे और ये गोल्डन प्ले बटन भी उनको देंगे। सो गाइज मैं 20 तारीख को एक फुल ब्लॉग डालने वाला हूँ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वहाँ पे मैं कैसे पहुँचा और वहाँ पहुँचने में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि लोग लोकेशन चेंज करते हैं बट मैंने इस वीडियो में कपड़े तक चेंज किए। वीडियो को लाइक करना और सही अगर कंटेंट पसंद रहे तो बेल आइकन ऑन कर देना ताकि मेरे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंच पाए। और अगर आप इस होली तक, इस मार्च एंड तक अगर आप मेरे करवा दे तो 1000 सब्सक्राइबर तो मैं आपको मिलाऊंगा क्रेजी XYZ अमित भाई से, और हम देंगे उनको इससे भी बड़ा गिफ्ट और इससे भी अमेजिंग गिफ्ट। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन कर दो ताकि मेरे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।